हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर जर्नल एंट्रीज़ के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ इससे पिछला जो वीडियो था जिसमें हमने जर्नल के बारे में समझा था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और उस वीडियो में मैंने अपने तरीके से अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हुए आपको समझाने की कोशिश करी थी कि किसी भी अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट किस तरह से करना है। और मेरे को ये लगता है कि अगर आपने वो समझ लिया तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे कि कैसे अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करना है। तो आज जो है हम उसकी बात नहीं करेंगे, आज हम प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जो हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसके थ्रू जनरल एंट्रीज कैसे बनेंगी हम उसकी बात करेंगे। आज हम सबसे पहले चलेंगे जो ट्रेडिशनल अप्रोच है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, जो इंग्लिश अप्रोच भी जिसे कहा जाता है, गोल्डन अप्रोच भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल अकाउंट में जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और जो नॉमिनल अकाउंट है उनके क्या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, हम आज इसको डिस्कस करेंगे और उस हिसाब से जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको चाहता हूँ, जर्नल एंट्रीज बनाने का एक फॉर्मेट है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, आप उस फॉर्मेट को जरूर देख लीजिए जिस फॉर्मेट में आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है। सबसे पहले डेट का कॉलम है, देन पर्टिकुलर्स है, उसके बाद लेजर फोलियो। मैं अभी आपको मतलब बताता हूँ, आप एक तरह से नोट कर लीजिए एक दफ़े। फिर डेबिट रुपीज़ और फिर क्रेडिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ये एक फॉर्मेट है। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, मतलब ट्रांजैक्शंस की डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, 2 तारीख है तो 2, फिर 3, 4, इस तरह से लिखना है। तो आज की डेट ले लीजिए, चलिए जुलाई 28। पर्टिकुलर्स में आप पहली लाइन आएगी कि किस अकाउंट को आप डेबिट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, फर्नीचर अकाउंट को मैं डेबिट करना चाहता हूँ, फर्नीचर अकाउंट आपने लिखा, आपने लिख दिया डेबिट। ये डेबिट लिखना ज़रूरी है यहाँ पे। उसके बाद दूसरी लाइन में आप किस अकाउंट को क्रेडिट करना चाहोगे ये लिखना है। तो टू लिखते हैं पहले, टू, फिर फॉर एग्जाम्पल मैं कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहूँगा। यहाँ क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मेट है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब खरीदा है हमने, कैश देके फर्नीचर खरीदा है। अब ये है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो होता है जर्नल एंट्रीज में जो भी ट्रांजेक्शन्स हम नोट करते हैं ये बाद में लेजर में पोस्ट होती हैं। अब मान लीजिए फर्नीचर अकाउंट लेजर में 15 नंबर पेज पे है, तो हम यहाँ पेज नंबर 15 लिख देंगे। इट मींस फर्नीचर अकाउंट हमने 15 नंबर पेज पे बनाया हुआ और उसमें फर्नीचर से रिलेटेड सारी एंट्रीज उसी जगह मिल जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ लिखें, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी लिखना नहीं है आपके लिए अभी, तो फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है LF की। फिर यहाँ पे आ जाएगा डेबिट कितने रुपीज़ से किया है और क्रेडिट कितने रुपीज़ से किया है। डेबिट और क्रेडिट का रुपीज़ एक ही होगा। अच्छा, इसके अलावा हम एक नरेशन लिखते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन थी। मान लीजिए इस केस के अंदर परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ समथिंग अमाउंट था, कुछ अमाउंट था, तो आपने यहाँ लिख दिया बीइंग द अमाउंट पेड टूवर्ड्स परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश रुपीज, चलिए मान लेते हैं हम 5000, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक एंट्री आपकी यहां पे ये कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट्स, आपने जो जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस भी अगर घर में करनी है तब भी मैं कहूँगा इस फॉर्मेट के अंदर ही करो। अगर आप घर में प्रैक्टिस करते हो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बस, और यहाँ अमाउंट लिख दिया, तो अब आपको एग्ज़ाम में दिक्कत होने वाली है,
क्योंकि आप ये जब फॉर्मेट बनाओगे इसमें टाइम लगाओगे और आपको दिक्कत होगी उसमें, तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप प्रैक्टिस भी आप इसके अंदर ही करिए। मैं जो आपको जर्नल एंट्रीज बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको जर्नल एंट्री बता दूंगा, ये भी आपको खुद ही लिखनी है, कुछ नहीं है, जो ट्रांजेक्शन है वही यहाँ पर लिख देनी है, बींग द ये पहले लिख दीजिएगा अमाउंट। तो ये हमारा फॉर्मेट है। अब हम चलेंगे डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके हिसाब से जर्नल एंट्रीज को कैसे करना है उस पे हम चलते हैं। फिलहाल मेरे को इसको रब करना पड़ेगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो हमारी गोल्डन अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है उसको लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। हमारे तीन अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और इनके जो रूल्स डेबिट क्रेडिट के हैं वो इस तरह से हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गो व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये रूल्स हैं। मेरा सजेशंस ये है, अगर आपको रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा सा डाउट है, तो मेरे जो पिछला वीडियो है जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाया हुआ है उसको आप एक दफ़े पहले देख लें, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छे से इनको डिटेल में समझाया हुआ है एग्जाम्पल्स के साथ में। तो स्टूडेंट्स अच्छे से समझिए इसको। अगर आपने अपना अपनी फील्ड अकाउंट्स या फाइनेंस रखनी है, और आप अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, बैंक्स में या इंश्योरेंस कंपनीज में जाते हैं, तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी भर काम आने वाली हैं। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं ये बेस है जनरल अकाउंटिंग्स, आप इसको अच्छे से समझिए। अब इसको किस तरह से हमने जर्नल एंट्रीज बनानी है, हम इस तरफ चलते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश रुपीज, कुछ भी हो सकता है, अभी हम सिर्फ स्टेप्स देखेंगे। ये आपके पास एक ट्रांजैक्शन है, तो इस ट्रांजैक्शंस में आपके पास दो अकाउंट मिलेंगे, क्योंकि हमारी जो एंट्रीज हैं वो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेसिस हैं, जिसमें हर हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तो आपने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है, पहले इस ट्रांजैक्शन को देखिए, एनालाइज करिए, आइडेंटिफाई करिए कि इसमें दो अकाउंट कौन कौन से हैं। इसमें देखिए अकाउंट अकाउंट वन कौन सा है, मेरे को दिख रहा है एक अकाउंट है फर्नीचर, दूसरा अकाउंट कौन सा है कैश, है ना। अब फर्नीचर एसेट्स है, फर्नीचर का नेचर ऑफ एक्सपेक्ट, और कैश ये भी एसेट्स है, और एसेट्स किस अकाउंट के क्लासिफिकेशंस में आती है, रियल अकाउंट। और अकाउंट टू कैश ये भी रियल अकाउंट है। अब आपने ये देखना है ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज किया है ना, तो ये हमारा पास कम्स इन है, कम्स इन आया है। और कैश हमारा, कैश इस केस में क्या, हमने कैश के साथ हमने परचेजिंग करी है, तो कैश हमारा गोज आउट है। तो कम्स इन में हमारा रियल में क्या है, डेबिट करना है, और गोज आउट पे क्या है, क्रेडिट करना है। तो इसको हम कर देंगे डेबिट और इस एंट्री को हम कर देंगे क्रेडिट। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इजी है ना। आपने दो अकाउंट को आइडेंटिफाई किया, एक फर्नीचर एक कैश, फिर देखा फर्नीचर भी एसेट्स है कैश भी एसेट्स है। एसेट्स कौन सी अकाउंटिंग में आता है हमारा, अकाउंट्स में, रियल अकाउंट में, और कैश भी रियल में आ रहा है, लेकिन हमारा फर्नीचर इंक्रीजिंग पे है, कम इन है, कम्स इन, और ये गोज आउट है, कैश देके हमने परचेजिंग किया है, तो इसको डेबिट कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे।
ये एक स्टेप मैंने आपको बताया किस तरह से जनरल एंट्री करनी है, और जनरल एंट्री फिर बन गई हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे आपने नरेशन लिखनी है, बीइंग द अमाउंट पेड टूवर्ड्स परचेज ऑफ फर्नीचर, ये ज़रूर लिखनी है आपने। अब हम एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे जिससे आपको और कंसेप्ट आएगा। मैं एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगा जिससे कि आपकी नींव पक्का हो जाए, आप कभी भूल ना पाए। ठीक है, मैं ऐसे अभी रफ कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको अब एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा, ट्रांजैक्शंस के साथ समझाऊंगा कि किस तरह से हमने ये रूल फॉलो करते हुए जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लेते हैं परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000। गुड्स परचेज किया है 12,000 में, तो सबसे पहले आपने इस ट्रांजैक्शन में ये देखना है कि यहाँ पे दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक आप देखोगे गुड्स अकाउंट है और दूसरा है कैश अकाउंट। गुड्स अकाउंट स्टूडेंट्स, गुड्स जो है ये यूजुअली रॉ मटेरियल ही होता है। रॉ मटेरियल जो भी आपका लाइन ऑफ बिजनेस है, जो भी आपका कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो रॉ मटेरियल है। तो उस रॉ मटेरियल में या तो वो परचेज होता है और उसके बाद में सेल भी होता है। तो गुड्स ना लिख के हम परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट लिखते हैं गुड्स के लिए। अगर गुड्स नहीं है, मान लीजिए फर्नीचर है तो हम फर्नीचर लिखेंगे, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, मशीन है तो मशीन, लेकिन अगर गुड्स लिखा हुआ है तो वो परचेज अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा गुड्स है तो एक अकाउंट हमारा अकाउंट इन्वॉल्व्ड, एक अकाउंट परचेज अकाउंट हो गया। दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश, कैश पेमेंट हुआ है तो कैश अकाउंट। दो अकाउंट इन्वॉल्व है। अब नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? परचेज अकाउंट, यानी कि गुड्स क्या होते हैं? हमारे एसेट्स हैं और कैश भी एसेट्स है। एसेट्स किस में आते हैं हमारे रूल में? रियल अकाउंट में आते हैं। तो रियल अकाउंट में अगर डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ क्या रहा है? परचेजेस, डेबिट कम्स इन एंड क्रेडिट हमारा जा क्या रहा है? हमारा कैश जा रहा है, तो क्रेडिट गोज आउट। ये जो फॉर्मेट है ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक दफ़े आपको क्लियर हो गया फिर आपको इस फॉर्मेट में लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो आपने जनरल एंट्रीज में लिखना है। अब हमारी जनरल एंट्री तैयार हो गई। हमारी जनरल एंट्री क्या हो गई? डेट आप कुछ भी डाल लीजिए, डेट और परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डैश 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 डेबिट टू कैश अकाउंट। लेजर फोलियो कुछ नहीं है, ये कितना? 12,000 रुपीज कैश पेमेंट किया है, 12,000 रुपीज और 12,000 रुपीज ये नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। और नरेशन जरूर लिखनी है। नरेशन मैं यहां नहीं लिखूंगा, आप अपने आप लिखेंगे। बींग द अमाउंट पेड टूवर्ड्स परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, इस तरह जो भी ट्रांजेक्शन है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, बींग द अमाउंट पहले लिखेंगे, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। ये आप हमने पहली एंट्री बना ली है। अभी हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन को करेंगे जिससे आपका बेस बिल्कुल मजबूत हो जाए। बस आप समझते रहिए, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इन सब के ऊपर हम ट्रांजेक्शन लेके चलेंगे। अब हम दूसरी ट्रांजेक्शन लेके चलते हैं। अब हम सेकेंड ट्रांजेक्शन लेते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज भारत वाज पेड ₹500। भारत को ₹500 कैश दिए गए। इस ट्रांजैक्शंस के अंदर दो अकाउंट पहले आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से हैं। पहला अकाउंट तो मुझे ये दिख रहा है, दूसरा अकाउंट मुझे कैश दिख रहा है। तो फर्स्ट अकाउंट है हमारा भारत, ठीक है। भारत क्या है? पर्सनल अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट पर्सनल, नाम से आ रहा है पर्सनल अकाउंट।
और इसमें रूल्स क्या कहता है, पर्सनल में जो रिसीवर है उसे डेबिट करेंगे। रिसीवर कौन है यहाँ पे? भारत है, तो हमने इसको करेंगे हम डेबिट, रिसीवर। अब दूसरा अकाउंट हमने बोला कैश है, कैश है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारा कैश तो हमने इसमें दिया है ना, तो क्रेडिट वाज गो व्हाट गोज आउट, तो गोज आउट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन गई? भारत अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपीज, 500 रुपीज, और बीइंग द अमाउंट पेड टू, बीइंग द अमाउंट पेड टू भारत। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना। अब मैं थर्ड एंट्री लेके चलता हूँ, पेड सैलरी टू चंदा। थर्ड एंट्री, डेट भी चलिए डाल लीजिए, 4 जनवरी 20। पेड सैलरी टू चंदा ₹2,000। अब इस ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या दो अकाउंट दिख रहे हैं हमें? एक तो सैलरी दिख रहा है, चंदा से यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा अकाउंट तो सैलरी है, और दूसरा हमने कैश पेमेंट किया है ₹2,000। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं? एक अकाउंट तो सैलरी हो गया और दूसरा अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट, सैलरी किस में आता है हमारा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? एक्सपेंसेस अगर हैं तो हमारे को डेबिट होगा, तो सैलरी तो हमारा एक्सपेंस है, तो डेबिट एक्सपेंसेस। और कैश हमने दिया है, कैश है हमारा रियल अकाउंट, कैश हमने दिया है तो गोज आउट। अब देखिए जनरल एंट्री क्या बनेगी, 4 जनवरी की डेट डाल दीजिए, 4 जनवरी 2020, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹2,000, ₹2,000। समझ में आ रहा है? अब हम फोर्थ एंट्री को लेके चलते हैं, 5 जनवरी की है, 5 जनवरी 2020। ₹500 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम देवी, ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम देवी, देवी नाम है। इस ट्रांजैक्शंस में हमें दो अकाउंट कौन से दिख रहे हैं? एक अकाउंट तो हमें कैश है और दूसरा अकाउंट हमारा देवी का है। तो पहला अकाउंट जो हमें दिख रहा है वो है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा है? रियल अकाउंट। और कैश हमें मिला है तो कम्स इन में क्या है? डेबिट, डेबिट कम्स इन। और दूसरा अकाउंट कौन सा है? देवी, देवी के कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, देवी पर्सनल अकाउंट होता है, और देवी ने पैसे दिए हैं तो क्रेडिट द गिवर। तो हमारी जनरल एंट्री तैयार हो गई 5 जनवरी की, 5 जनवरी 2020, कैश अकाउंट डेबिट टू देवी अकाउंट, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम देवी, और ये है ₹500। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम फिफ्थ ट्रांजेक्शन्स को लेके चलेंगे, हम कई सारी ट्रांजेक्शन्स लेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा अच्छे से। सिक्स्थ जनवरी 20, रिसीव्ड रुपीज, रिसीव्ड
₹300 फ्रॉम राजन एज कमीशन। ₹300 रिसीव किए हैं फ्रॉम राजन एज कमीशन। अब इस ट्रांजेक्शन्स में आइडेंटिफाई करिए दो अकाउंट हमारे कौन से अकाउंट हैं। एक तो कैश हमें दिख ही रहा है, ₹300 कैश मिले हैं। दूसरा अब कमीशन अकाउंट है, राजन से मिला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि कमीशन मिला है हमें। तो पहला अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा होता है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में हम किसको डेबिट करते हैं? कम्स इन, व्हाट कम्स इन। दूसरा है हमारा कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट हमारा है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में हमारी कमीशन हमने रिसीव किया है, तो इट मींस क्या है? ये इनकम है। तो हमने क्रेडिट कर दिया इनकम, ठीक है। तो हमारी जर्नल एंट्री बन गई 6 जनवरी की डेट की, 6 जनवरी 20 कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। और नरेशन आ गई, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राजन एज कमीशन, और कितना रुपया है? ₹300। ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई परफेक्ट फॉर्मेट में। और चलते हैं आगे स्टूडेंट्स, और आगे चलते हैं 6 ट्रांजैक्शंस के ऊपर लेके। मैंने आपका जो पिछले ट्रांजैक्शंस हैं वो रब कर दिए हैं, और आपका टाइम वेस्ट ना हो तो जो रबिंग टाइम है उसको भी एलिमिनेट कर दिया, और उसको फिर से फ्रेश बना देता हूँ। अब हमारी 6 ट्रांजैक्शंस है, 8th of January रिसीव्ड ₹1,000 फ्रॉम अमर इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट द अमाउंट विच वॉज ₹1,050। रिसीव्ड ₹1,000 फ्रॉम अमर अगेंस्ट फुल सेटलमेंट विच वॉज ₹1,050। मतलब समझ में आ रहा है इसका? अमर से हमने ₹1,050 लेने थे, लेकिन मिले कितने? ₹1,000 लिए हैं अगेंस्ट फुल सेटलमेंट। हमने फुल सेटलमेंट कर दिया, उसको ₹50 छोड़ दिए हमने, हमने उसको ₹50 का डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे दो तीन अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। पहला अकाउंट तो कैश अकाउंट है ही जो हमें मिला है, फर्स्ट अकाउंट इज कैश अकाउंट। दूसरा जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है अमर को ₹50 का, 1,050 लेने थे, 1,000 ही लिए हैं, तो दूसरा अकाउंट है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और थर्ड अकाउंट है अमर का, स्टूडेंट्स यहां पे हमारे तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं। अभी तक जो हमने डबल दो अकाउंट्स के हमने एंट्रीज बनाई हैं उसको बोलते हैं सिंपल एंट्री। और जहां तीन दो से ज्यादा, तीन चार अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हो एक ही ट्रांजैक्शंस में, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड एंट्री, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब फिर से इसकी तरफ आते हैं। कैश अकाउंट हमारा क्या है? रियल अकाउंट। हमें कैश मिला है तो हम डेबिट किसको करेंगे? कैश को करेंगे, कम्स इन हुआ है, है ना? डेबिट व्हाट कम्स इन। डिस्काउंट अलाउड, इसका मतलब हमारा ₹50 का एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, तो हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट।
और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट एक्सपेंसेस। अब है अमर, अमर का है हमारा पर्सनल अकाउंट, और अमर ने पैसे दिए हैं तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट गिवर। अब हमारी जर्नल एंट्री तैयार हो गई है। जर्नल एंट्री क्या है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और अमर अकाउंट क्रेडिट। कितने कितने रुपए से होगी, मिला कितना पैसा है हमको, 1000 रुपीज मिला है, हमने डिस्काउंट कितना दे दिया, 50 रुपीज, और अमर के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 1050 रुपए से। मतलब अब इसके आगे अमर को कुछ नहीं देना है, 1050 रुपीज से हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये इसकी एंट्री है, थोड़ा सा नयापन है इस एंट्री के अंदर। अभी और चलेंगे हम आगे, एक नई ट्रांजैक्शन देखते हैं। ₹960 वाज पेड टू भारत इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1000। ये 9th of January की डेट ले लीजिए, 7th एंट्री है हमारी, 9 जनवरी 2020। क्या कहता है, ₹960 पेड टू भारत इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट ₹1000। हमने भारत को 1000 देने थे बट 960 ही दिए भारत को इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आप समझ जाइए, इन फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब भारत ने क्या किया, 40 रुपये का डिस्काउंट हमको दे दिया। तो अगेन यहाँ पे तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, पहला अकाउंट भारत का इन्वॉल्व है, दूसरा अकाउंट कैश है, फिर एक डिस्काउंट रिसीव्ड है इस केस में। इससे पहले वाले केस में हमने किया था डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया था, यहाँ अब हमको मिल रहा है, तो एकदम अपोजिट एंट्री हो गई। तो अब क्या अकाउंट है हमारे, पहला अकाउंट हमारा कौन सा है, भारत, दूसरा अकाउंट है हमने कैश दिया है, कैश, और थर्ड है डिस्काउंट रिसीव्ड। तीन अकाउंट है। अब नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, भारत है पर्सनल, भारत को क्या हुआ है, द रिसीवर, भारत को पैसा दिया है ना हमने, 960 रुपए दिए हैं, तो द रिसीवर, तो हम इसको कर देंगे डेबिट द रिसीवर। कैश हमने दिया है, कैश है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में कैश क्रेडिट गोज आउट। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिला है तो हमारी एक तरह से इनकम है ये, तो नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और इनकम है तो फिर से क्रेडिट इनकम। ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ कि कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व है और अकाउंट का नेचर क्या है और उसमें रूल कौन सा लगेगा। एक दफ़े आप अच्छे से समझ जाओगे फिर इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपने जनरल एंट्री बनानी है। अब देखिए जनरल एंट्री 9 जनवरी की डेट में, भारत अकाउंट डेबिट, टू कैश दिया है, कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और फिर बीइंग द अमाउंट पेड टू दिस 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 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 40 रुपीज। ये नरेशन जरूर लिखनी है हर एवरी टाइम। तो कितना अमाउंट आएगा, हमने भारत का अकाउंट कितना था 1000 रुपीज से, और हमने कैश कितना दिया है 960, और 40 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिल गया है। तो भारत का हमने जितने देने थे 1000 रुपये वो हमारा क्लियर हो गया।
और एंट्री लेके चलते हैं। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके लिए फिर से नया फॉर्मेट तैयार है एक नई ट्रांजैक्शंस के लिए। अब हमारी 8th ट्रांजैक्शंस होगी 13th डेट में, 13th जनवरी 2020। द प्रोप्राइटर ऑफ द एंटरप्राइज विड्रॉ गुड्स वर्थ ₹600 फॉर हिज पर्सनल यूज। जो प्रोप्राइटर है प्रोप्राइटर विड्रॉ गुड्स वर्थ ₹600 फॉर हिज पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने लिया तो उसकी ड्राइंग्स हैं, ये उसकी कैपिटल में से विड्रॉ होगा। ड्राइंग्स अकाउंट एक हमें यहाँ दिख रहा है, ड्राइंग्स अकाउंट, और दूसरा गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट मैंने पहले भी बोला कि गुड्स नहीं लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट लिखेंगे। परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स हमारी पर्सनल्स में आती है और प्रोप्राइटर को पैसा मिला है, ही इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, और परचेज इज रियल अकाउंट, हमारी परचेजेस गई हैं, गोज आउट, क्रेडिट गोज आउट, तो इट मीन्स क्रेडिट गोज आउट। तो हमारी जर्नल एंट्री तैयार है 13th की डेट में। क्या है जर्नल एंट्री? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट, बीइंग द गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर वर्थ ₹600 फॉर हिज पर्सनल यूज, और कितने का है? ₹600। तो ये हमारी एंड ट्रांजेक्शन पूरी हो गई, जर्नल एंट्री पूरी हो गई, हमने नरेशंस भी लिख दी, डेट लिख दिया, सब कुछ ठीक ठाक है। अभी दो एंट्रीज हम अभी और करेंगे। मैं चाहता हूँ अच्छे से आप ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट को समझ लीजिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है? बने रहिए एक मिनट। तो स्टूडेंट्स एक ट्रांजेक्शन हम और लेके चलते हैं 9th नंबर की। इसकी डेट है 14th जनवरी। क्या है ट्रांजेक्शन्स? कार्टेज वॉज पेड ऑन बिहाफ ऑफ वन कस्टमर मिस्टर योगेश ₹100। कार्टेज पे करिए हमने ऑन बिहाफ ऑफ वन कस्टमर मिस्टर योगेश ₹100। कार्ट लिख देता हूं आपको, कार्टेज पेड ₹100 ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर मिस्टर योगेश। अब इस ट्रांजैक्शंस के अंदर हमने कैश दिया है, हमारा एक कस्टमर है योगेश, नॉन कस्टमर है योगेश, हमारा कस्टमर है, तो रिसीवर कौन हो गया इसमें? जो दो अकाउंट दिख रहे हैं मुझे, एक तो दिख रहा है योगेश का, योगेश अकाउंट, और दूसरा कैश हमने दिया है। तो हम यहाँ कार्टेज अकाउंट नहीं लिखेंगे, कैश लिखेंगे, क्योंकि हमने तो कैश दिया है और कार्टेज अकाउंट हमारा नहीं है, ये योगेश के अकाउंट के लिए कार्टेज होगा, हम लोगों के लिए ये सिर्फ से कैश है। तो योगेश है पर्सनल और योगेश इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, और कैश रियल, कैश दिया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारी जर्नल एंट्री तैयार है 14th जनवरी की डेट में। योगेश अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग द अमाउंट पेड ₹100 एज कार्टेज ऑन बिहाफ ऑफ अवर कस्टमर योगेश, एज इट इज आपने लिख दिया ₹100। तो ये हमारी एंट्री पूरी हो गई।
एक एंट्री और लेके चलूँगा जिसमें कस्टमर ने हमारे बिहाफ पे कार्टेज दी है, उसको और लेके चलता हूँ अभी मैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो की आखिरी ट्रांजैक्शंस 15 तारीख की डेट में है। द सप्लायर मिस्टर जफर पेड कार्टेज ₹100 ऑन आवर बिहाफ। 10th नंबर की 15th जनवरी 20, द सप्लायर मिस्टर जफर, जफर एक सप्लायर हैं, उन्होंने ही पेड कार्टेज ऑन आवर बिहाफ ₹100। अब ये केस जो है पिछले केस से एकदम उल्टा है। पिछले केस में हमने किसी के बिहाफ पे कार्टेज पे किया था, अब यहाँ मिस्टर जफर जो हमारे सप्लायर हैं उन्होंने कार्टेज पे किए हमारे बिहाफ पे। तो हमने तो अभी देने हैं ना पैसे, जफर को देने हैं हमने अभी। तो इसमें दो अकाउंट हमारे कौन से हैं, इसमें एक अकाउंट हमारा आएगा अब कार्टेज आएगा, क्योंकि हमने अपना अकाउंट कार्टेज अकाउंट के नाम से खोलना है, और दूसरा हमारा आएगा जफर अकाउंट। कार्टेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है, और एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट कर देते हैं हम ऑल एक्सपेंसेस। जफर पर्सनल अकाउंट है, और जफर ने दिया है, ही इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। तो हमारी जनरेटर तैयार हो गई, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू जफर अकाउंट, 15 तारीख की डेट डालिए, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू जफर अकाउंट, बीइंग द कार्टेज पेड बाय जफर ऑन आवर बिहाफ ₹100। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ट्रांजैक्शंस थी। ट्रेडिशनल अप्रोच को लेके हमने, उनके रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को लेके हमने कुछ ट्रांजैक्शंस आपको समझाने की कोशिश करी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस लेके चली हैं और सिंपल टर्म्स में आपको समझाया है। तो अभी भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी आगे काफ़ी चलने वाला है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न अप्रोच में जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं वो लेके चलेंगे, उसके बाद फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस लेंगे, उसके बाद और भी कुछ लेंगे। तो जनरल एंट्रीज का अभी चैप्टर समाप्त नहीं है, आप अच्छे से बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे लेटेस्ट वीडियोस, अभी जो आ रहे हैं उनको देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।